नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मज़े में हैं। तो भैया घर पूरा खाली है। गोलू पायलची को नितिन गए हैं मोरनी हिल हवा में उड़ने के लिए, और मुझे भी जाना था पर मैं थक गया था, मैं गया नहीं था क्योंकि सुबह मुझे कुछ काम था। उस काम के बाद मैं घर आ गया था, और जहाँ पे वो गए हैं मॉर्निंग हिल, चीकू भी जा चुका वहाँ, पहले मैं भी जा चुका हूँ, तो मैंने सोचा चलो तुम चले जाओ और फुल ऐश करके आना। पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है, तो अभी शांति निकाल रही है, मौसमी का जूस जूस पीते हैं, फिर करेंगे थोड़ा सा आराम। ये वाला जो कैमरा है ना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट कैमरा है। इसी से मैंने इंस्टाग्राम बूस्ट किया था, इसी से मैंने यूट्यूब बूस्ट किया था, मतलब सारा काम मैंने इसी कैमरे से किया है। तो काफ़ी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ गए कि अरमान भाई आप पतले हो गए हो, पतले बिल्कुल पतला हो गया। मैंने नियर अबाउट किया है 20 किलो कम, 105 था, आज मेरे 85 किलो वजन है। रानी राजा और फुल शैतानी कर रहे हैं। देखो ऐसे खाओगे ना, इतने घुसे पड़ेंगे दोनों को ना, बहुत घुसे पड़ेंगे, शैतानी मत करो मेरे साथ। तो गाइस मज़ेदार सा मौसमी का जूस आ गया है। राजा इतना बेशर्म है ना, तू क्या बताऊँ, मतलब कि ना देख यहाँ पे जूस रखा और ये हरकतें कर रहा है। इसका टीचर क्या कहाँ गया? हाँ जी आया था, इसका टीचर आया था? नहीं जी एक ही दिन आया था वो, तो उसके बाद नहीं आया, नहीं फ़ोन भी नहीं किया। नहीं यार कम से कम फ़ोन वोन तो करो। तो मैं सो गया था, अभी उठाऊँ और उठते एक मज़ेदार सी चाय पी रहा हूँ। गोलू और पाल फुल ऐश कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे मैंने उनको भेजा था। तो मैं घर से निकल रहा हूँ और मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, तो मैंने चीकू और गुल्लक में से निकाल लिए क्योंकि घर में कैश ही नहीं था। और कई बार ऐसा होता है, मतलब आपको पैसे देना से ढूंढने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाए 500 700 1000। और ठीक है, भगवान के दिया सब कुछ है। कई बार क्या होता है, कैश नहीं होता घर में, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो मैं पहले जाऊंगा हेयर कट कराने, उसके बाद निकलता हूँ मैं KGF देखने। तो वहाँ पे खड़ी है हमारी नूना। तो मूवी का हाउसफुल जा रहा था बिल्कुल फुल, तो मैंने धीरज को फ़ोन किया। मैं धीरज फटाफट टिकट बुक कर रहे, तो धीरज की कॉल आएगी, भाई दो टिकटें हैं, एक तो ऊपर वाली है वो सोफे वाली, एक उसके नीचे वाली है, तो आप सोफे वाली पे बैठ जाना, मैं नीचे बैठ जाऊँगा। तो फटाफट से कर दिया हमने 7:30 बजे वाला शो बुक। और गोलू और पायल थक के आएंगे आज, क्योंकि आज वो बहुत मतलब इन्जॉय किया, एडवेंचर किया। बाकी उनकी मुँह ज़बानी मैं भी सुनूंगा, वीडियो देखूंगा, व्लॉग देखूंगा, तब समझ में आया क्या क्या किया उन्होंने आज। क्या खुशखबरी है? आपके लिए जूस लाया हूँ। अच्छा थैंक यू भाई साहब। ये भैया हमारा धीरज है, बिल्कुल छोटे भाई की तरह पूरा ध्यान रखता है। कई बार ना आप अकेले ड्राइव करते हो, जो आपका फ़ोन होता है ना वो यहाँ गिर जाता है यहाँ, और फिर कहता है यार यार अब कैसे निकाले। दो लोगों ना तो हाथ पैर मार के निकाल लेते हैं। अब धीरज को बोला मैंने सोचा चलो जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ रुक के निकालेंगे, क्योंकि मेरी सीट के नीचे है। हम पहुँच गए सैलून और अभी हेयर वॉश हो रहा है। हमारे पास पूरा 1 घंटा है, और यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता 15 मिनट का है। तो अभी देखते हैं हमारे भाई कितनी देर में फ्री करते हैं हमें। तो ये पहला ऐसा आदमी है जिसकी मुझे शेविंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, और हाथ इतना ज़्यादा साफ है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो गाइस मूवी के 20 मिनट रहेगा, और जल्दबाजी में मेरे बाल सेट किए जा रहे हैं। अगर कल को कुछ मेरे बालों के साथ होता है तो ये आदमी जिम्मेवार है। मज़ेदार लुक दिया है भाई ने हमारे, और इनको तो आप जानते होंगे, गोलू ने और पायल ने यहीं से कलर वलर भी करवाया था। तो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही हाथ साफ है इसका। तो 7:17 हैं और हमारे पास है पूरे 14 मिनट, और रास्ता यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है। वैसे तो रास्ता अगर ट्रैफिक ना होता और रात का तो 5-7 मिनट का, पर ट्रैफिक है तो देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। पर मैं चाहता हूँ मूवी मिस ना हो, अगर मिस होगी तो मैं देखूँगा, नहीं फिर देखूँगा मैं रात का शो। तो गाइस पूरे 7:30 हो गए हैं और ये जाम लगा हुआ है, और वहाँ पे हमें जाना, वो दिख रहा है वो लाइट दिख रही है जो। तो अभी भी हमारे पास 10-15 मिनट हैं, 10-15 मिनट ये है ना कि एड वैड चल रही है हॉल में। तो भैया निकल लो फटाफट, चलो यार मूवी निकल जाएगी हमारी और बस। और कट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है मुझे तो, मज़ेदार। आप भी कमेंट करिए बताना कैसा लुक आ रहा है। तो गाइस देख रहे हो इतना गंदा जाम है, और मुझे जाना वहाँ, लाल बत्ती वो दिख रहा है, वो हॉल दिख रहा है। और अभी टाइम दिखा दो कितने मिनट हो गए, 8 मिनट ऊपर हो गए हैं यार। खुल जा भैया, खुल जा फटाफट, हट जाओ भैया, हट जाओ भाई, दिल्ली 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 दिल्ली। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं भैया, पहुंच गए। यहाँ गाड़ी लगा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करें है ना, यहीं घुसा देता हूँ गाड़ी। हमने वहाँ पे पार्किंग लगा दी है, तो फटाफट निकलते हैं। चलिए भैया भागो। मुझे लगता है मूवी शुरू हो गई होगी और कुछ ना कुछ पार्ट रह गया होगा मूवी का। तो फाइनली हमने टिकटें चेक करवा ली है और बटन भी दबा दिया है, और फटाफट चले, लिफ्ट नहीं आ रही है, नीचे वेट कर रहे हैं हम, 12 मिनट लेट हो गए। तो गाइस कमाल की मूवी है, एक भी शॉट नहीं बताऊंगा, सस्पेंस रह जाएगा। और इसमें जो मतलब वो हीरोइन का क्या नाम था,
जो बहुत रवीना टंडन ने क्या वापसी किया, मतलब कि यादगार रही, जबरदस्त रोल था उसका भी। और संजय दत्त का तो भैया क्या बात है, कमाल का था, मतलब विलन था पर हीरो से कम नहीं था। और जितनी तारीफ की जाए केजीएफ की आप ज़रूर देख के आना, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर यार दिल से मज़ा आ गया। मतलब 3 घंटे तक हम बैठे रहे मूवी में और एक एक शॉट देखने लायक है, काम का रखा है। पर मैं यही बोलूँगा कि सबसे गर्व की बात मुझे ये है कि इंडियन ऐसी वीडियोज़ या फिर ऐसी मूवी बनाने लग गए, हॉलीवुड हो या टॉलीवुड, पर गर्व की बात यह है कि इंडिया में बनी है बस। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हॉलीवुड वालों को ये करना चाहिए, बॉलीवुड वालों को ये करना चाहिए या फिर कुछ भी है, पर ये चीज़ इंडिया में बनी है तो हमारी हुई, मतलब हमारी इंडिया वालों की हुई, हम इंडियन की हुई, तो प्राउड बनता यार, कमाल की मूवी है। चलो तो खींच के ले जाएंगे, नहीं भागना नहीं। नहीं 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 नहीं, एक पकड़ दो चीकू, नहीं नहीं फिर मैं ऊपर ले के जा रहा हूँ फिर इनको। चीकू तो यहाँ पे राजा रानी पता नहीं लड़ रहे हैं खेल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। चीकू क्या कर रहे हैं आप, क्या कहते हैं, खेल रहे हैं? इनकी तो लड़ाई नहीं खत्म हो रही यार, रस्सी उलझ गई थी, लाओ एक मुझे दे दो। चीकू फिर दोनों की फिर रस्सी उलझ जाएगी यार। तो गाइस आज बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, जो हमारी पायल मलिक है वो झूले में झूलती झूलती गिर गई। अगर मैं वहाँ होता तो उसको अपनी पलकों पे बिठा लेता। अभी है यहाँ पर, क्या हो गया, हंस क्यों रही है? उसने तेरे को ना ध्यान भटका दिया ना, उसने भागने नहीं दिया दरवाजे ना, उसने हाँ उसने पता क्या कहा, उसने कहा ऐसे करके रखो, मैं ऐसे करके के चक्कर में ना पैर उसने कहा भागना, मैंने दोनों पैर फोल्ड कर लिए ऐसे, वो दौड़ते गिरते वो भी गिरा बंदा जो चला रहा था। गोलू तू क्या कहना चाहती है? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पायल जैसी करी, उसके बाद मैंने सोचा कि यार करूँ ना करूँ, उसके बाद वो कहता मैम झूला बंद हो गया अगली बार आना, मैंने कहा ठीक है। तो नितिन भाई का भी एक्सपीरियंस आज ले ही लेते हैं। भाई साहब क्या क्या पंगे लेके आए वहाँ पे आप? 2 घंटे तो हमें सूखने में लगे, पूरे गीले हो गए थे, बहुत ही गंदा पानी था यार वो नितिन, पानी मुंह में चला गया बहुत ही गंदा पानी था, जो ये झूले खा रहे थे ना वो जोड़ है, मतलब वो कोई नदी नहीं थी और उसमें सभी करते हैं, तो गोलू पाले इतना एंजॉय कर रहे थे पानी को। पायल आगे बैठ गए, तो जैसे हम आगे बैठे ना चीकू पीछे बैठे, तो पहले मैं जाली बना रहे, फिर हम पहली बार गई, फिर पहली बार मेरे मजा आया, मेरे पीछे दूसरी बार फिर ले चलो, फिर दूसरी बार पीछे बैठी। आज मेरे बिना उन्होंने फुल ऐश की है, और एक आदमी यहाँ भी बैठा, भैया आपने क्या किया वहाँ? मैंने खाली बस वो बनाना राइडिंग की थी, फुल मजे लिए, मुझे तो उससे ही डर लग रहा था बहुत। बनाना राइड से मैं करता ही नहीं, नितिन भाई किसी पे ये कह रहा है भाभी आप लोग जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ कैमरा लेके। मैंने कहा चलो चुपचाप, किसी पे भी नहीं जा रहा था किसी पे। तो हेलीकॉप्टर वाली मजा आया तेरे को? हाँ हेलीकॉप्टर वाली मतलब ठीक थी, मुझे बनाना राइड से कोई दो बार ही हेलीकॉप्टर वाली दो बार ही करता भैया, मैं इतने नहीं कमाता। हम 10,000 फुट पे गए ना, तो मैं 500 फुट मजा नहीं आया, ये 500 फुट तो ऐसे लगा ऐसे ही छोटी मोटी। और दूसरी बात उसमें कूदना नहीं था ना, उसमें तो बैठे बैठे ऐसे मेरे को तो बोरिंग लगा, बनाना राइड अच्छी थी। और आपने क्या कहते सोफा वाला तो कुछ भी नहीं है, ये देखो ये बॉल वाला मैंने करा है, ये नहीं अरे मैं आपको बात बताना भूल गई, ये जो बॉल में ना पहले चीकू गया नितिन भैया के साथ, फिर चीकू गया पायल के साथ, फिर चीकू गया गुड्डू के साथ, फिर चीकू गया अकेले, चीकू ने 4 बार करा, मैं तो नहीं बैठी बॉल में। मतलब आज का दिन मजेदार रहा, इसने बहुत मजे किए। हर सुन मेरी बात, हर सैटरडे संडे ना इस लड़के को पूरी मस्ती करवाने। अब हम जाएंगे वहाँ पे, एक और बताया उन्होंने कोंटा साइड में, रेणुका रेणु झील मैंने ये सोचा है कि मैं जाऊँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश में बंजिन जंपिंग करूँ, और ऋषिकेश के अंदर जो अपनी गंगा जी के अंदर होती है वो करूँ, और जितनी भी राइड है ना वहाँ सारे पंगे लेके आऊँ मैं। बेटा बच्चों के लिए नहीं है वहाँ पे, एक भी बच्चों के लिए नहीं है, इधर ही 18 साल की मम्मी ना, मम्मी को लेके जाऊंगा। 18 साल की नहीं हूँ मैं, बड़ी हूँ, मैं जा सकती हूँ पापा ऐसे गोलमा है। मैं 16 की हूँ। KGF देख क्या मैं KGF? हाँ पता है, कैसी लगी? मजेदार। मेरे टैटू का ना पूरा ऊपर का स्किन निकल रहा है, अब इसमें ना खुजली हो रही है, शायद ठीक हो रहा है ना, हाँ। इसलिए खुजली हो रही है इसमें, देखो वैसलीन लगा रहा है। चीकू वहाँ पे सेल्फी दिए तूने का देखो? नहीं दी है, बहुत लोगों को दी है, चीकू ने नहीं दी, हमने दी है, भीड़ थी बहुत सारे, बहुत लोग थे वहाँ पे आज, वहाँ पे रूम्स भी मिलते हैं गुड्डू, है ना, रहने के लिए मतलब वहाँ रह लो, सरकारी है वो, चले नहीं जाते वहाँ, कपल रहते हैं चीकू पापा, हम भी तो कपल है, कौन हम
कपल बोलते हैं जैसे मम्मी पापा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अच्छा गाड़ी में सोते हुए पीछे डिक्की कैसी लगी गाड़ी की? ओ पूरे रास्ते सोते हुए हैं ये और गुड्डू दोनों पीछे डिक्की में सो रहे थे। हैं भाई कंबल भी जाके मजा आया बिल्कुल। अच्छा आपको पता है हम जितना सामान लेके गए थे ना फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये वो अब वो सारे ठंडे भी हो गए थे पर हम बैग में डाल के ले गए थे। बाद में भूख लगी हमने वो सारे फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब खत्म कर दिया। बैग में दो फ्रेंच फ्राइज बच गए थे। मैंने बैग जब खोला दो फ्रेंच फ्राइज ऐसे नीचे बैग में रखे थे। बहुत भूख लग रही थी। कालू को फोन कर कहां रह गया? अरे हां कालू भैया नहीं आया अभी तक। कब वो जब हम निकले थे तब फोन आया था भैया का कि मैं निकल गया हूं। है बोलूं जुखाम हो रहा तेरे को? थोड़ी ना मेरी शक्ल देख ले कैसी हो गई। मुझे बार बार बोल रहा है आइसक्रीम दे दो आइसक्रीम दे दो। एक घूसा मारती वहीं। पापा मैं ना रहा हूं मम्मा। नहीं 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 तू अंदर आ अंदर आ। तेरे को गर्म पानी में नहलाऊंगा बीमार हो जाएगा। पायल हाँ। गंदा पानी था नहा लो। मैं कह रहा हूं बताया ना मैंने तेरे को लोग ना उसमें सब हाथ मुंह पैर सब धोते हैं गंदा पानी था खड़ा पानी है वो। अरे नहीं और पता क्या होता है जब हम आते हैं ना तो मुंह पे पानी पानी भर जाता है तो मुंह का थूक भी तो निकलता है उस पानी में। अरे बहुत ही गंदा पानी था मुझे तो। तुम तो एंजॉय कर रहे थे ऐसे मुंह खोल खोल के। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। नमस्ते बाबा अल्लाह फिर ध्यान रखें सेफ रहें।